स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। डीएपी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच मोदी सरकार ने इस पर सब्सिडी को बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद किसानों को डीएपी उर्वरक का एक बैग 2400 रुपए के बजाय 1200 रुपए में मिलेगा। बयान में कहा गया सरकार ने डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को खाद कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद उपलब्ध कराने का फैसला किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद की कीमतों के साथ ही मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया है। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को राहत देने पर केंद्र सरकार के इस फैसले को किसानों के लिए लाभकारी बताया और पीएम मोदी का आभार भी जताया। तो किसानों को एक बड़ी राहत, खाद की जो कीमतें हैं वो 1200 ही रहेंगी, सब्सिडी को बढ़ा दिया है, 700 रुपए सब्सिडी बढ़ा दी गई है और ऐसे में केंद्र के ऊपर इसका अतिरिक्त बोझ आएगा। 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च सब्सिडी पर केंद्र सरकार करेगी। बुधवार को ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और जाहिर है कि पहले जो खाद की बोरी की बात कर लें वो 1900 रुपए में किसानों को मिल रहा था, केवल पहले 500 रुपए ही सब्सिडी मिलती थी, अब उसे 700 और बढ़ा दिया गया है, यानी कि कुल सब्सिडी 1200 रुपए हो चुकी है खाद की। जहां तक बात है, अब केवल किसानों को 1200 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। बुधवार को पीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, इसमें यह अहम फैसला लिया गया। पीएम का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलेगी और केंद्र सरकार इसके लिए 14,775 करोड़ अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए एक अच्छी खबर दी है। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 140% तक की बढ़ा दी है। अब किसानों को प्रति बोरी 500 की जगह 1200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी 1200 रुपए सिर्फ किसानों को चुकाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया। पीएम का कहना था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलेगी और केंद्र सरकार इसके लिए सब्सिडी पर 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी और इससे पहले प्रति बोरी सब्सिडी की राशि इतनी एक बार कभी नहीं बढ़ाई गई है, यानी कि 700 रुपए बढ़ा दिए गए, कुल 1200 रुपए की यह सब्सिडी हो गई है किसानों को, जो कि खाद की बोरी पर मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेसिट एसिड अमोनिया की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों को केवल 1200 रुपए ही चुकाने होंगे खाद की बोरी के लिए, एक बड़ा फैसला किसानों के लिए। चलिए हम इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ चार मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। राहुल राज जी जुड़े हैं, किसान नेता, आपका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ चेतन सिंह जी बीजेपी से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। राहुल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, एक बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया है केंद्र सरकार ने, जो सब्सिडी थी उस राशि को बढ़ाया गया है 700 रुपए, यानी कि अब 1200 रुपए में किसानों को खाद की बोरी मिलेगी और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ इतनी सब्सिडी की कीमत बढ़ाई गई है। कितनी बड़ी राहत है किसानों के लिए ये? दीपेश जी बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में शामिल किया। बड़ी हंसी आती है जब इस टॉपिक पे आज कल शाम से बड़े मीडिया चैनलों में इस बात की चर्चा हो रही है। 1200 की ही चीज हमको 1200 में ही मिलेगी, इसके लिए हम किसको धन्यवाद दें? हमने कभी 1900 का खाद नहीं खरीदा, खाद 1200 का ही था, लेकिन जब 1200 की चीज को 58% बढ़ाते हुए 1900 का किया गया, तब कहाँ थी ये चर्चाएं, जब पूरे देश के किसान
पुरजोर विरोध कर रहे थे इस बात का जब से ये आदेश आया था, और जब से माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश 15 तारीख को जारी किया कि मध्य प्रदेश में विपणन संघ इसको देगा, तब तो किसी ने हम लोग का साथ नहीं दिया, तब किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा था और विपक्ष के कुछ लोग उसके लिए ट्वीट कर रहे थे। लेकिन जब सरकार ने फैसला वापस ले लिया तो ये कहने के बजाय कि किसानों ने अपनी जो मांग रखी उसको सरकार ने मांगा, सब सरकार की वाहवाही में लग गए कि नहीं जी नहीं, 1200 की चीज सरकार 1200 में ही दे रही है तो सरकार का बहुत आभार। ये कौन सी तरीका है, पहले आप चीज बढ़ाओ और उसके बाद आप घटाओ, फिर अपनी वाहवाही लूटो, तो किसान को कोई राहत तो नहीं मिली है ना। आप ये बताइए, अभी आपने अपने एक स्टेटमेंट आप ही ने कहा दीपे जी, मैं आप ही को कोट करता हूं, आपने कहा कि इतनी बड़ी राहत कभी नहीं हुई कि 700 रुपये या 500 रुपये की सब्सिडी दे दी गई हो। तो मैं आपसे पूछता हूं, इतना बड़ा अन्याय भी कभी हुआ है कि सीधा 58% कभी बढ़ा दिया हो? कभी कोई सरकार 58% की बढ़ोतरी हमारी समर्थन मूल्य फसलों पर भी तो करे। लंबे समय से देश का किसान दिल्ली में काहे की लड़ाई लड़ रहा है, इसी की लड़ रहा है ना कि समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी हो, लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिले और उसकी खरीदी की गारंटी हो, उसपे तो सरकार के कान पे चू नहीं रेंगती है। हाँ, खुद की कीमतें खुद बढ़ा देंगे, इसके बाद कम कर देंगे, उसकी वाहवाही के लिए पूरे न्यूज चैनल को लगा दिया, पूरा एक से एक इनके प्रवक्ता बैठ गया, देखिए साहब मोदी जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने किसानों का भला कर दिया। ये कैसा भला है, 1200 की चीज को 1900 करके दोबारा 1200 करने में किसी को बधाई नहीं दी जाती है। ये दर्शाता है कि सरकार जो है पिछले कोरोना काल में 3 कृषि कानून लाती है काले, जो किसान विरोधी हैं, और इस कोरोना काल में आप डीएपी की रेट बढ़ाते हैं, और अगर किसान समय रहते इस बात का विरोध नहीं करते तो आपने तो बढ़ाई दी थी पिछले। आपको मैं याद दिला दूं दीपेश जी, इफको ने जब इस बात की रेट बढ़ाई थी तो पूरे देश में हंगामा हुआ और इफको ने बड़े आसानी से कह दिया कि पुराना स्टॉक जो है वो हम 1200 में ही देंगे, आगे वाला स्टॉक 1900 में देंगे। तो पुराना स्टॉक कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, वो खत्म हो गया। अब जब नई बोनी आई तो उन्होंने कह दिया साहब 1900 में देंगे, फिर उन्होंने देखा कि किसानों का विरोध है, जो कि ऑलरेडी किसानों का विरोध इतने विषयों पे चल रहा है, ठीक है, सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए उसको वापस लिया है, लेकिन इससे किसान को राहत नहीं हुई है। हम तो बार बार कह रहे हैं साहब कि हमारी लागत आप कम करिए। देखिए दीपेश जी, बड़ा सिंपल सी चीज है, मैं आपसे एक मिनट और लूंगा। जब किसी फैक्ट्री में कोई रॉ मटेरियल की कीमत सस्ती होती है और बाय प्रोडक्ट जब बन के आता है वो मार्केट में जाता है और उसकी अच्छी कीमत मिलती है तो व्यापारी को फायदा होता है, फैक्ट्री चलाने वाले को। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमत अगर कम हो जाएगी, डीएपी खाद है, यूरिया खाद है, अन्य कीटनाशक या हमारे बीज है, उनकी रेट अगर कम हो जाए और हमारे बिकने वाले माल यानी हमारी फसलों का समर्थन मूल्य अच्छा हो, तब तो किसान लाभ में जाएगा ना। आप रेटें बढ़ाइए, रेटें कम करिए और फिर ये दर्शाइए वाहवाही फीट थपथपाइए, तो ये झूठी कोरी वाहवाही है। 1200 की चीज दोबारा 1200 में देना कोई एहसान नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, बाकी किसानों को बताना चाहता हूँ और उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को बताना चाहता हूँ कि 1200 की चीज ही 1200 में देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। शर्मा जी, राहुल जी का ये मानना है कि किसानों ने जब इसका विरोध किया तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ, अब ये किसानों के लिए राहत नहीं है, पहले कीमतें बढ़ा देना फिर घटा देना, सरकार अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है, शर्मा जी क्या कहेंगे? शर्मा जी सुन पा रहे मुझे? चले, संपर्क उनसे यहां पर टूट चुका है। चेतन जी, वही प्रश्न मेरा आपसे रहेगा। कच्चे माल में होती हो, खासतौर से वो माल जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बाहर से हम मंगाते हैं, तो उसको सरकार कैसे करे, बताइए ना। ये किसान 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 अभी तक आपको तो पहले व्यापारियों को गाली बकते थे, आप फार्मर्स को गाली बकते थे, अभी सुनामी की लहर में आप बको गाली, आप उनको सारे व्यापारी भी कह रहे हैं कि ठीक है आप चला करके दिखा लीजिए। देश ऐसे नहीं चलता किसी एक कंधे पर, देश के लिए चारों कंधे लगते हैं। जब आदमी मरता है उसको चार कंधे लगते हैं तो देश एक कंधे पे कैसे चलेगा? और किसी भी चीज को लेकर के केवल ना फार्मी ना इंसाफी और केवल नहीं, हम ही जो कर रहे हैं वो ठीक है, अगर इतने बढ़िया आप ठीक हो तो 70 साल में तो आपको अपने पांव पे खड़े होकर के इन व्यापारियों से इन उद्योगपतियों से आगे आकर के आपको खड़े हो जाना चाहिए था। रॉ मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, कच्चे मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, किसानों को किसी ने इस बात के लिए बाध्य तो नहीं किया कि आप अपने मटेरियल का अपने उत्पादन का जो सरकार ने रेट रखा है इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते हो? आप मत बेचिए, जिनको जरूरत होगी जिनको लगेगा वो आपसे उसी दाम पर लेंगे। इस तरह से देश नहीं चलता है, केवल नकारात्मक बात आकर के चैनल पर कर जाना कि सरकार का कुछ नहीं, सरकार को एहसान नहीं करती। आप एहसान करते हैं क्या? किस तरह की भाषा बोलते हैं देश में? तथाकथित बुद्धिजीवी कौन है? तथाकथित बुद्धिजीवी आप ही है सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, आपको सारा ज्ञान है। देश अपने आप चल रहा है, देश के किसान अपने आप चल रहे हैं, देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी उनके सम्मान की राशि जारी करते हो अपने आप हो रहा है,
यूरिया समय पर पहुंचे अपने आप हो रहा है, डीएपी समय पर पहुंचे अपने आप हो रहा। आज जब किसान बंधुओं की मांग है जभी तो सरकार ने उसकी सब्सिडी 140% बढ़ाई है, और निश्चित रूप से किसानों की सरकार है उनसे बात हम करेंगे। केवल तीन काले कानून है तो गोरा कानून बना के रख लो आप। हमने सरकार के माध्यम से जो किसानों के जनहित में था, जो किसानों के आर्थिक रूप में मदद कर सकता है, वो कानून लेकर के आए हैं। अब जिनको लगता है कि ये काले कानून है, अपने हिंदुस्तान में अनाज बेचना बंद कर दो आप। क्यों सरकार से फिर बात करने की बात करते हो? अभी तो सारे आपके नेता बात करने के, सरकार बात नहीं कर रही। और जब सरकार आपसे बात कर रही थी तब आपने किस प्रकार का व्यवहार किया? इस तरह से बातें नहीं होती है, खुले मन से बात होती है, दिल साफ होकर के बात होती है। आंदोलन और मन में पवित्रता हो तो बड़ी बड़ी बातों का समाधान टेबल पर हो जाता है, लेकिन अकड़ के साथ कभी पकड़ नहीं बनती है। अकड़ वालों का स्थान इस हमारे हिंदुत्व में, हमारी संस्कृति में, हमारे विरासत में लिख के बताया गया है कि कहाँ है अकड़ वालों का स्थान। माफ करना, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कोई भी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, अगर उनने किसी के लिए काम किया है तो उनके सम्मान में भी बात करना हमको सीखना पड़ेगा। हमेशा केवल हम आलोचना करने बैठ जाएं, हम हमेशा बुराई का मुद्दा लेकर के बैठ जाएं, तो इस तरह से नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सारे मुख्यमंत्री जिन लोगों ने इस बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के अपनी बात रखी, मैं सबको दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हो सकता है कि राहुल जी या इन जैसे किसानों को आवश्यकता नहीं हो सरकार की, लेकिन इस देश के बहुसंख्यक लोगों को सरकार की आवश्यकता है। जिस प्रकार से तीन काले कानूनों की बात करने वाले जो इसके ब्रोकर है ना, ये आढ़ती है, पहली बार पंजाब हरियाणा के किसानों को मिल रहा है उनके खाते में पैसा, पहली बार आजाद हिंदुस्तान में उनकी बेची हुई फसल का। तो जो लोग आंदोलन को सार्थक बताते थे, आज देखिए वहां के किसान कितने लोग सुनामी में मर रहे हैं बेचारे। जब आंदोलन था तब तो घेर घेर करके ले आए, नहीं हम आपका ये करेंगे, हम आपका वो करेंगे। आज उनके साथ कौन खड़ा है? आज कोई खड़ा उनके साथ चंदा लगाने के लिए, चंदा देने के लिए खड़ा है? हिंदुस्तान की जिस प्रकार के हालात लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग देश और देश की भावनाओं के साथ जाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की भावनाओं के साथ जाना चाहते हैं, चाइना की भावनाओं के साथ जाना चाहते हैं। अपने देश और अपने देश की डेमोक्रेसी संविधान के बारे में जिसकी भी आस्था नहीं हो, मुझे नहीं लगता वो कभी भारत का समर्थक हो सकता। जी फिरोजी, क्या कहेंगे, किसानों को बड़ी राहत या फिर राहुल जी आरोप लगा रहे हैं कि पहले कीमतें बढ़ाते हैं फिर कम कर देते हैं, किसान जब आंदोलन करने लगते हैं तो छवि सुधारने के लिए फैसला वापस ले लेते हैं? राहुल जी, कि अगर ये कीमतें बढ़ी रह जाती तो इनकी सब सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी कोरोना की कोविड गाइडलाइन है सब धाराशाही हो जाती। किसान तो आ ही गए थे सड़कों पर, और ये रेट तो आज से क्या 2 महीने से बढ़े हुए हैं, ये रेट तो, और 2 महीने से रेट बढ़े हुए थे, और उसकी वजह से अभी हमने एडवांस बुलाया नहीं खाद। अब सवाल ये है कि ये जो 14,775 करोड़ की जो सब्सिडी दी जा रही है, ये कटेगी योजना मद में से? मोदी सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर दी, आप पता कर लीजिए एग्रीकल्चर में कौन सी योजना चल रही है, बहुत छोटे छोटे आकार कर दिए सब योजनाओं के, और उसका जो पैसा था उठा के उन्होंने इंश्योरेंस के लिए डाइवर्ट किया। किसान इंश्योरेंस लेने को तैयार नहीं है, अब लोग बैंक जबरदस्ती उनको इंश्योरेंस देते हैं कि इंश्योरेंस लो तो बैंक की फसल, आप अगर आपको केसीसी बनवाना है तो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी बंद हो गई, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी बंद हो गई, वो इंश्योरेंस अकेला देती है, बाकी सारे काम बंद हो गए उसके। जितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जो तकनीक किसानों को सिखाई जानी थी उसको लेके जितनी स्कीम थी सारी की सारी बंद हो गई। आप पता कर लीजिए ना डेयरी में मिलेगी आपको, ना हॉर्टिकल्चर में, ना फिशरीज में, ना हमारा एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर सबकी बंद हो गई। अब आपने अगर 14,775 करोड़ रुपए का एक काम कर दिया तो ये पहली बार 58% वाली, वरना तो हमने 70 सालों में 10 रुपए 15 रुपए एक बार मैक्सिमम डीएपी पे कीमत बढ़ी थी 35 रुपए, और यूरिया पे तो बढ़ा ही रखा है सरकार ने। यूरिया का जो रेट था वो 50 किलो की बोरी पे था, उसको 45 किलो की भर्ती आती है, तो रेट तो बढ़ ही गया उसका यूरिया का। और अगर 58% आप वो बढ़ा रहे थे तो 58% आप समर्थन मूल्य भी बढ़ा देते। डीजल के 92 रुपए नहीं है क्या, 44 पैसे में? हमारी यहाँ सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार 44 पैसे में बिजली दे रही थी, अब क्या 44 पैसे में बिजली मिल रही है? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं
ये कोई एहसान नहीं कर दिया सरकार ने, सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। ये 70% लोगों की उसका लोगों का सवाल है, और जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है तो आप देख ही रहे हैं 80 रुपए का जो सरसों का तेल था वो किस भाव बिक रहा है, 170 रुपए। दाल देख लो आप क्या भाव बिक रही है, बाकी की तमाम चीजें महंगाई क्यों इतनी तेजी से, खाद्यान्न की महंगाई ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है, वजह इसलिए ऊपर जा रही है खाद्यान्न की महंगाई कि जो आपने स्टॉक लिमिट खत्म की है तो लोग अब स्टॉक कर रहे हैं माल, वो किसान को नहीं मिल रहा उसका फायदा, और किसान को मिल जाए तो चलो उपभोक्ता ये है कि चलो किसान के बच्चे पल गए, काम कुछ जी ने महंगी महंगी दाल खरीद ली तो किसान को फायदा हो गया, इसका फायदा किसानों को नहीं हो रहा, उन कालाबाजारियों को हो रहा है, बहुत सारी चीजें। और भाई मोदी जी के खिलाफ आप लोग नहीं बोला करिए, मैं तो राहुल राज जी से भी कहता हूं मत बोला करिए, समृद्ध को ना दोष गोसाई, जो समृद्ध होता है उसको कोई दोष नहीं लगता, इसलिए आप उनको दोष नहीं दे सकते भाई, वो प्रधानमंत्री हैं, हमने थोड़ी चुना, वो तो खुद ही चुने के आ गए, प्रधानमंत्री हैं वो तो अब उनको आप कुछ बोल नहीं सकते, ना आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, वो तो जो कर दें वो अच्छा है, मेहरबानी उनकी, धन्यवाद आपने 58% बढ़ाए, 58% कम कर दिए, और योजना मद में से हमारा पैसा कम कर देंगे आप, राज्यों को जीएसटी देने लायक आपकी हैसियत नहीं बची है कि आप जीएसटी का पैसा ही राज्यों को दे दें, तो अब आप इसका पैसा कहाँ से लाके देंगे, हो सकता है एक आध बैंक भेज देंगे या एक आध कंपनी भेज देंगे। शर्मा जी, बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, 1200 रुपए में ही डीएपी उर्वरक का एक बैग किसानों को मिलेगा, सब्सिडी को बढ़ाया गया है। राहुल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता हैं, उनका कहना है कि 1900 रुपए कीमतें थी, सरकार ने जब इसे बढ़ाया था फिर वापस कम किया, किसानों ने आंदोलन किया, विरोध किया इसके खिलाफ, और सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए फैसला किया है। आपसे समझेंगे कोरोना काल में ये राहत है या फिर राहुल जी आरोप लगा रहे हैं कि अपनी छवि बचाने के लिए ये फैसला वापस लिया है, जो कीमतें बड़ी थी अब सब्सिडी के तौर पर मिल रही है किसानों को। नहीं देखिए अंकुश जी, बहुत सीधी सी बात है, पेंडेमिक का समय चल रहा है, सारी चीजें महंगी हो रही है, ऐसे में यदि सरकार यूरिया पर राहत देती है, वापस पुराने दामों में देती है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक, बहुत सीधी सी बात यह है कि कल को पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं, तेल के दाम वापस कम हो जाते हैं, तमाम चीजों के बढ़े हुए दाम कम हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारा अधिकार था, ये तो पहले उतने में ही मिलती थी। भाई आप जो लाइफ जी रहे हैं, आप हर चीज जो है महंगाई के हिसाब से बढ़ रही है ना, उसमें अगर सरकार कम कर रही है तो आप सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है सरकार ने जो है धोखा किया, गलत किया है, इसको स्वागत के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब चूंकि राहुल जी किसान नेता हैं तो वो ये कह सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये ऐसे समय में जबकि पेट्रोल बिजली सब महंगा हो रहा है, ऐसे में अगर यूरिया भी महंगी हो रही थी और सरकार के हाथ में था यूरिया के रेट तो सब्सिडी देने का, और अगर 14,000 करोड़ पर खर्च कर रहे, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार की ये कि सरकार ने गलत किया, हमारा अधिकार था। अरे वो तो अगर ये देखा जाए तो आज से 10 साल 5 साल पहले या पिछले साल ही जो चीजों के रेट थे, अगर वो रेट आज बढ़ गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारा पिछले साल के रेट पे अधिकार था। इसका भाई आपको ये भी समझना होगा कि कच्चे सामान की कीमत बढ़ी है, क्यों है रेट बढ़े हैं, वो सब अध्ययन के बाद अगर आप बोले तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक कृषि कानूनों का मामला है, पंजाब में सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीदी हुई है, यदि पंजाब का किसान नाराज है तो एमएसपी पे क्यों बेच रहा है, ये बहुत इसको समझना होगा, इसको ये समझना होगा कि आखिर। और दूसरा, पहली बार जो है किसानों के खाते में पैसा गया, बिल्कुल सही बात है, चेतन सिंह जी सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इतनी फिर बम्पर खरीदी हुई क्यों, खरीदी तो होनी नहीं चाहिए, इसका तो बहिष्कार होना चाहिए था। यदि आप सरकार विरोधी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, तो आपको केवल धरना नहीं देना चाहिए, आपको वो सब चीजें भी जो है रोकनी चाहिए जिससे सरकार की छवि बनती है। अगर आज एमएसपी पे 0 खरीदी हुई होती तो सरकार की स्थिति कुछ और होती। राहुल जी सुना आपने, शर्मा जी का ये कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है कोरोना काल में, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने छवि बचाने के लिए ये फैसला लिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर, अगर आप सरकार विरोधी हैं तो फिर एमएसपी पर खरीदी नहीं होनी चाहिए थी, पंजाब का भी उदाहरण उन्होंने दिया है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर खरीदी की गई, तो किसान जब केंद्र के फैसले के खिलाफ हैं तो फिर राज्यों पर भी इसका असर दिखाई देना चाहिए ना कहीं ना कहीं। देखिए मानो कितना बड़ा विडंबना है, अगर हम दूध फल साग सब्जी शहर भेजना बंद कर दें तो हम पे आरोप लगाते हैं कि आपने क्यों बंद कर दिया, और एक गरीब किसान, 5 एकड़ का किसान, 10 एकड़ का किसान या उससे कम का किसान अपनी फसल उगा के ये कह रहे हैं घर में रख ले बेचे नहीं, उसे खराब कर ले क्योंकि वो विरोध कर रहा है। तो अगर ये मुझे बात समझ में नहीं आती, कुछ लोग जो विरोध कर सकते हैं, जो अपने घर बार छोड़ के वहां पड़े हैं, और अगर वो सभी के लिए विरोध कर रहे हैं तो क्या वो गलत है,
उसको आप किसान नहीं मानोगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है मान्यवर में उनको सुन रहा था, बड़ा दुख होता है, मतलब हम विरोध करें तो वो कह रहे हैं हम चाइना के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और हिंदुत्व में हमारी परिभाषा क्या है वो बता रहे हैं, हमें दलाल रूपी वो क्या कहते हैं आड़तिया बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्हें ही ज्यादा ज्ञान है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में वो समय चला गया साहब जब देश की आम जनता के टैक्स के पैसे को आम जनता को ही वापस लौटा के नेता अपनी पीठ तपतपा ले, 70 साल से बहुत मूर्ख बना लिया। और ये क्या 70 साल इस देश के किसान से करते रहते हैं, हम कोई कांग्रेस ही अन्य दल के नेता है क्या जो हमसे ये पूछते हैं 70 साल का हिसाब? अरे भाई 70 साल के बाद 7 साल आपको हो गए, वर्तमान सरकार में आप हैं, तो ये कौन सा न्याय है कि वर्तमान सरकार से हम सवाल नहीं कर सकते? ऐसा माहौल कैसे बना सकते हैं कि अंधे से अंधा ना कहो अंधा जाएगा रूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट, ये किस प्रकार का माहौल बना रहे हैं? इस देश का किसान अगर देश की सरकार से सवाल करता है तो उसे पाकिस्तानी बताने लगते हैं, मतलब हम इनकी तरह अंधभक्त बनके इनके नेता की तारीफ करें तो हम हिंदुस्तानी हैं। और अगर हम ये सवाल करते हैं वाजिब कि साहब आपने एक कृषि कानून क्यों लाए, और कृषि कानून की बड़ी बात करते हैं, कृषि कानून आने के बाद वो कहाँ है? बड़ी बड़ी निजी मंडियां, इनसे पूछिए ना वो कौन सी निजी मंडियां थी जिनकी ये बात कर रहे थे जिनमें जाके किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा का दाम मिलेगा? इनके कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, वो कहते थे एमएसपी छोड़ो एमआरपी मिलेगी। कितनी फसलों की एमआरपी तय कर दी इनने, कितनी फसलों की कर दी कोरोना काल में? एमएसपी और एमआरपी लिखे लेने वाली दारू तो जरूर बिकती है, जो एमएसपी से कभी नीचे नहीं बिकती और एमआरपी से ऊपर बिकती है उसके लिए तो ये खड़े हैं साहब बिल्कुल तरीके से बिकवाने के लिए। हमारी फसलें एमएसपी पे ही बिकवा दो, उल्टे सीधे बयानबाजी करके टीवी पे दबाने से काम नहीं चलता। आजाद भारत की तीसरी पीढ़ी पढ़े लिखे किसानों की इनकी षड्यंत्रों को समझती है साहब, और हमने ये कभी नहीं कहा कि हमें सरकार नहीं चाहिए, कह रहा है सरकार नहीं चाहिए, सरकार देश में रहते हैं, सरकार चाहिए, हमने ही चुना है प्रधानमंत्री जी हवा से चुन के नहीं आए, इस देश के किसानों ने चुना है। और इस देश के किसान जब अपने चुने हुए प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं तो जवाब देना पड़ता है, शालीनता से आप जवाब दीजिए, किसानों की समस्या का समाधान करिए। और कब नहीं करी टेबल पे बात हमने, हम तो टेबल पे बात करके पहले से ही बता चुके क्या कानूनों में काला क्या है। ये कह रहे थे हमसे सफेद आप ले आओ, तो ठीक है आप छोड़ दो सत्ता, आप निकल लो वहां से, बैठने दो दूसरे लोगों को, वो बना लेंगे कानून। हमसे बात कर रहे हैं, मतलब देश का किसान जाके संसद में कानून बना ले, ऐसा कोई नियम हो तो बता दो हम जाके बना लेंगे। फालतू की बातें करते हैं टीवी पे बैठ के किसानों को बदनाम करने का। और ये भैया ये किसान नहीं डरेगा इनसे, इनसे भारतीय जनता पार्टी वालों से कोई विपक्ष का नेता डर सकता है जिसकी कोई पोल पट्टी इनके पास हो? इस देश का किसान बिल्कुल नहीं डरेगा, खुले मन से खड़े होकर सवाल करेंगे। हमने कोई घपले घोटाले नहीं करे ना, हमने जनता के बीच में जाके वोट मांगना जो इनसे हम डर जाए ऊंची आवाज से। हम कल भी विरोध करते थे चाहे पार्टी कांग्रेस थी, और आज भी विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी। जब जब हमारा दमन का प्रयास होगा हम खड़े होकर विरोध करेंगे। और मैंने कोई बात गलत नहीं कही है, धन्यवाद सरकार का भैया उनने बढ़िया सब्सिडी दे दी, लेकिन 1200 की चीज 1200 में देके पीठ थपथपाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। जवाब ले लेते हैं जी चेतन जी। केवल आलोचना ही आंदोलन ही लिखा है तो उनको मैं भी उनका भाग्य नहीं बदल सकता, वो तो भगवान ने बना करके भेजा है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों के दम पर पार्लियामेंट में बहुमत के साथ बैठी हुई सरकार है, किसानों के दम पर चुनी हुई सरकार है। और ये गुमराह करने वाले दिन अभी ज्यादा दिन नहीं चलते भैया, ये गुमराह करने वाले लोगों की दुकानें बंद हो गई, जो एक वार्डर बंद करके सरकार को झुका करके 100-200 करोड़ रुपए का सौदा करते थे सारे किसान नेता, वो भी सबकी पोल पट्टी है। हो सकता है राज्य आपको बुरा लग रहा हो, आप उस तरह के नेता नहीं हो, लेकिन बाकी वहां के नेताओं ने जो किया है उसका यही हत्र है। और अगर आपको नहीं मालूम, अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप मेरा नंबर इस स्टूडियो से ले लेना, किस किसान नेता की कितनी प्रॉपर्टी है, मैं आपको पूरा दस्तावेज दे दूंगा, फिर उनकी कितनी जमीन है, वो कितनी मंडियों में बेच करके आए, आप अध्ययन कर लेना, फिर मुझको बता देना, हम दोनों चल के किसी टीवी चैनल के आपस में बात कर लेंगे। लेकिन मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जो वाजिब चीजें हैं, आज कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में फिरोज जी कह रहे हैं हमारे मत से कटेगा तुम्हारे मत से, तुम्हारे मत, तुम्हारे को चाहने वाले लोग इस देश में टैक्स नहीं चुकाते, माफ करना फिरोज भाई, आपको चाहने वाले लोग इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं देते हैं। और कहो तो मैं ऑन द रिकॉर्ड निकाल करके आपको भोपाल शहर में दिखा सकता हूँ कि देखिए ये हैं आपके चाहने वाले लोग, ये हैं अव्यवस्था पैदा करने वाले, अर्थव्यवस्था नहीं अव्यवस्था पैदा करने वाले लोग। लेकिन इनको पालने पोसने का काम अगर कोई करता है तो इस हिंदुस्तान के वो लोग करते हैं जो बेचारे अपने खून पसीने की कमाई इस सरकार को गार्डेड टैक्स के रूप में अदा करते हैं, चाहे सांस लेने की है, चाहे बिजली का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे पानी का हो, चाहे टैक्स का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे मकान का हो, चाहे जीएसटी हो, कितने प्रकार का टैक्स एक आदमी देता है, कभी उनके दिलों से पूछो, कभी उनके बारे में जाकर के बात करने की कोशिश करो किसी प्लेटफॉर्म पर किसी फोरम पर, कि कोई इसकी भी तो चिंता कर लो कि जिसने हिंदुस्तान को चलाने का काम किया इसको सरकार कुछ दे रही कि नहीं दे रही, कभी उनका भी हम चिंतन करा करें। हर हमेशा ठीक है, मेरे पास समय खत्म हुआ, मुझे लगता है फिरोज भाई जी
आपको इस देश में ईमानदारी से जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनकी कद्र करना चाहिए। ईमानदारी से व्यापारी टैक्स देता है उसके बारे में अपमानजनक शब्दों का दुष्प्रचार आप लोगों को बंद करना चाहिए। ईमानदारी से जो लोग ठीक है सर, मेरे पास समय खत्म हुआ, एक छोटा कमेंट ले लेते हैं फिरोज जी से। फिरोज जी जल्दी, समय कम है। व्यापारी कहाँ बचा है अब इस देश में, अब तो हम दो और हमारे दो हैं। जो अंबानी और अडानी चाहते हैं वो इस सरकार में नीति बनती है, वो अपने ऑफिस से लिख लाते हैं, उधर दस्तखत करा लेते हैं जाके। तो अब व्यापारी कहाँ बचा, हमारा ही तो यही विडंबना है ना कि आम आदमी की बात जो है, जो आम आदमी के हक फैसले हो वो बोलिए जाने चाहिए। अब वो तो इस सरकार में आम आदमी के फैसले थोड़ी लिए जाते हैं, इस सरकार में तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए फैसले लिए जाते हैं। जितने एयरपोर्ट हैं पूछो किसके पास हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो पूछो, MTNL BSNL क्यों बिक गया हमारा, और बिकने के बाद किसको फायदा हुआ ये और पता कर लो। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि नीति ऐसी होनी चाहिए। आपने कहा हमने सब्सिडी दे दी खाद पे, तो हमारे योजना मद में से कम कर दिएंगे उतने पैसे, तो हमारी योजनाओं का लाभ जो हमको मिल रहा था किसानों को वो नहीं मिलेगा। पशु खरीदने के लिए जो सब्सिडी मिलती थी वो नहीं मिल रही, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जी। चलिए समय खत्म हुआ मेरा यहाँ पर, और फिरोज जी, चेतन जी, सुशील जी, राहुल जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो किसानों को DAP उर्वरक का एक बैग 2400 रुपए के बजाय 1200 रुपए में ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में अतिरिक्त बोझ जो है केंद्र सरकार पर 14000 करोड़ से ज़्यादा का पड़ने वाला है। लेकिन चर्चा में जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार का ये मानना था, BJP का ये मानना था कि कोरोना काल में एक बड़ी राहत इसे कहा जा सकता है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। JNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।